Question number 22. Descending imbricate aestivation occurs in the corolla of. अभी अभी हमने देखा था कि जो पेपिलियोनेशियस या वेक्सिलरी अरेंजमेंट था कोरोला का, उसी को ही डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोल रहे थे, जिसमें एक लार्ज स्टैंडर्ड पोस्टीरियर वाला पेटल था, देन उसके बाद दो लेटरल वाले विंग्स थे एंड आगे इंटीरियर की तरफ दो फ्यूज्ड कील थी. तो इस टाइप की अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, ऑल्सो नोन एज वेक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन. तो ये किसमें देखा जा रहा है? करेक्ट आंसर क्या है? पी प्लांट, दैट इज पाइसम. टैमरिंडस नहीं है, केशिया नहीं है, हेलियंथस नहीं है. तो इस टाइप का डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें पोस्टीरियर साइड पर एक स्टैंडर्ड है, देन उसके बाद यहाँ पर दो पेटल्स अंदर की तरफ हैं जिसको विंग्स बोल रहे हैं, एंड आगे की तरफ और इंटीरियर की तरफ दो फ्यूज पेटल्स जिनको क्या बोला जा रहा है? कील और करीना. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट ऑफ एक्सिलरी सीन इन पाइसम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी.